अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सब जा रहे हैं जी जंडिका नहाने के लिए। चूँका मीरपुर कश्मीर में इतनी सख्त शदीद गर्मी, इतना पारा हाई हो चुका है कि बस साल के पास से बाहर हो चुका है, तो इसलिए हम दोनों ये ब्लॉग बना रहे हैं कि जा रहे हैं जंडिका नहाने के लिए, मैं और ये हमारे भाई मीशा साहब। ये देख रहे जी सब खुला है इनका आगे पीछे से, ये देखिए बटर शटर खोले हुए हैं, गुंडा बने हुए हैं, अरे गुंडा नहीं बने हुए जी, बटर इसलिए खोले हुए हैं गर्मी से, पूरा हाल है शरीर गर्मी है, तो इसलिए बटर खोले हुए कि हवा वगैरह ला लेते हैं। बहुत सख्त गर्मी, बाल भी मैं कटवाऊँगा अपने, काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं गर्मी में, बाल रखना बहुत मुश्किल काम है, पूरा पसीना आता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम नहाएंगे, आपको मौसम भी दिखाया जाएगा, आएंगे वहाँ आपको जेडिकस का एरिया सारा आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। जेडिकस का पानी इतना ठंडा होता है ना, देर का होता है ना, हाँ हाँ वो कोई बात हो गई, बर्फ इतनी ठंडी होती है, इतना ठंडा पानी होता है, लगता ही नहीं है कि ये समुद्र का है, पता नहीं कहाँ से आता है, कश्मीर की कई वादियों से आता है इतना ठंडा पानी, वहाँ पर नहाने का बहुत मज़ा आता है, हमारे परदेसी भाई देखेंगे खुश हो जाएंगे अपने इलाके को देख के, सारा भी लोग दिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम जिनियाल के एरिए से जा रहे हैं, जिनियाल जो सहराई इलाका है सारा रेतला इलाका है, तो डल बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, तो इंशाल्लाह आपको पूरी पब्लिक दिखाई जाएगी। बिल्कुल यहाँ के लोगों का कहना है कि इधर जितनी गर्मी पड़ती है इतनी भी है, दुबई में गर्मी नहीं होती, दुबई में गर्मी कम होती है, यहाँ के लोग ये कहते हैं। एक लीटर नाजिन आपको तो दादा लगा लेंगे कितनी गर्मी हो गई, आप सूरज ऐसे समझ लें कि सवा ऐसे भी आया देख सकते हैं। हाँ जी बहुत सख्त गर्मी, बहुत सख्त गर्मी, तो इंसान के पास से बाहर हो जाता है ये काम। अभी पंजाब में तो बिल्कुल ही आग बरस रही होगी, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ भी असर उसका पहाड़ है, इसलिए यहाँ भी बहुत सख्त गर्मी है। बाकी पीछे कोठी वाली साइड भी है, लेकिन हमारे जो नकियाल वाला एरिया, डॉक्टरों ने ये पेशन हुए की है कि आप 10 मिनट के बाद अपनी आँखों पर पानी लगाएं, पानी लगाएं ठीक है, नहाएं 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद, बिल्कुल आँख के आगे बैठें, गर्मी से धूप से बचें, इस गर्मी के साथ साथ बीमारियाँ भी आ सकती हैं, बिल्कुल आप अपनी हिफाजत करें, बस एहतियात करें, बिल्कुल ये बात है, जहाँ तक हो सके हिफाजत करनी चाहिए। हर मोबाइल भी आगे बहुत दिखा रहा है कि हाई हो चुकी है इसकी फ्रिक्वेंसी, तो कैमरे को बंद किया जाए, देख लें आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अभी हमने कैमरा ऑन किया और अभी, तो हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ वीडियो बनाते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बिल्कुल आगे चल के आपको दिखाते हैं सारा, सब कुछ दिखाते हैं जी। आप शहर में आगे भी सके, शहर में आ चुके ये हम जा रहे हैं नाजरे, ये देखें आप सख्त गर्मी हो शदीद गर्मी, बेचारे लोग मजदूरी कर रहे हैं मजबूरन, क्या करें चोर का मुल्क है, सब मुसलमान हमारे चोर हैं, बंदा बंदा जलील है, आजकल का जो मशहूर छोटा इलाज है वो कहते हैं कि महंगाई का दौर है, बच्चा बच्चा चोर है, हाँ हाँ यही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है बस, खूबसूरत शहर का कमाल। नाजरीन देखें नाजरीन, हम इधर जेडिकास पहुँचाए और इस पानी के पास हम खड़े हैं जी नहाने के लिए, बहुत खूबसूरत व्यू, ये देखें मुबीन शाह साहब, ये देखें जी आ रहे हैं पानी में से चल के आ रहे हैं, ये देखें तो ठंडा पानी है, चस आ जाती है, चस आ जाती है, आप बहुत ठंडा पानी है नाजरीन, अगर आप इधर मेरे पास होते तो आपको मैं नहलाता, हाँ जी नाजरीन को नहलाते हम, ऐसे भी सख्त गर्मी है, नहाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, चले हम फिर नहाते हैं जी, तो आगे भी आपको ठीक है जी, फिर आपको बताएंगे। हाँ जी नाजरीन देखें हम नहा रहे हैं, बहुत सख्त गर्मी है और नहाने का अपना ही लुत्फ होता है, चेहरे पे गर्मी से दाने बन गए इतने ज़्यादा, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा दाने बन गए चेहरे पे गर्मी की वजह से, और बहुत ठंडा पानी, बहुत मज़ा आ रहा है नहाने का, वो देखें सब नहा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं, देखिए कहाँ सा एरिया है, आ गए तो पानी देखें पार का फ्रेश हो गया, गर्मी खत्म, गर्मी इतनी है यहाँ पे, ऊपर चढ़ते चढ़ते ही दोबारा से वो क्या हो, तो देखें नाजरीन हम जा रहे हैं, ये रास्ता हम भटक गए थे, किसी और तरफ चले गए थे, हमने सोचा कोई शॉर्टकट मारा जाए, लेकिन नहीं, रास्ते आगे से दोनों तरफ से बंद थे, तो अब हम दोबारा से वापस बैक हुए हैं अपने उसी रोड पे जहाँ से हम जा रहे थे, तो अब ऊपर चलेंगे मेन रोड पे, फिर वहाँ से आगे जेडिकास व्यू पॉइंट है उधर चलेंगे, उधर कुछ जगह देखनी है, जायजा लेना है जगह का, तो फिर हमने
वापस चलना है जी। तो जो कुछ भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए ये जड़का एरिया और खड़ी पावर प्रोजेक्ट। ये ना तो के लग जा रहे मत क्या वो नाज़रीन, हम जड़ी का पारे के करीब से जा रहे हैं और ये नीचे का एरिया है, डैम का एरिया है सारा। डैम का पानी काफी हद तक सूख चुका है, इसका गर्मी इस कदर शदीद है कि डैम का एरिया बहुत बहुत पानी सूख चुका है, पीछे चला गया काफी हद तक और अब दोबारा इसी रोड से जा रहे हैं, वापस रोड से जा रहे हैं। ये देखें जी, ये सारा एरिया है जनाब जड़ी का व्यू पॉइंट का एरिया। ये सारा वो देखें ऊंट बैठे हुए हैं। ये देखें जी बहुत खूबसूरत जगह, ऊपर बैठे क्या है कोई वली अल्लाह है उनकी। शदीद गर्मी है और ये देखिए डैम का एरिया बहुत हद तक सूख चुका है। वो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, कितना दूर चला गया पानी। ये देखिए इधर पानी होता था और अब पैल का शायद ये सारा इधर डैम होता था, सब डैम था। ये देख ले क्या होता है, अब लोगों ने बस्तियाँ लगा ली हैं, रहते हैं। तो चले नाज़रीन, हम थोड़ा कुछ रेस्ट कर लेते हैं फिर आके आपको दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन देख लें, सख्त गर्मी है और गर्मी में घूम रहे हैं, क्या करें, किसी काम के हवाले से आए थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पार्क है ये, व्यू पॉइंट पार्क के करीबी व्यू पॉइंट बसता है जड़िका पॉइंट, जहाँ पर ये पार्क है, बेहतरीन पार्क है ये देख लें। माशाल्लाह गाड़ी शाड़ी उतर रही है, बेहतरीन पार्क है। टक शॉप है वो देखें, ये सारा एरिया चेक करें आप। ये है फुल पार्क, हाँ जी नाज़रीन ये हम बैठे हुए हैं जी पार्क के किनारे पे। ये देखें ये जनाब वो लेटे हुए हैं चारपाई पे, बूठे पड़े हुए हमारे सामने, ये पीछे पार्क है। और ये देखें जी ये दुकान है, ये टक शॉप है, यहाँ से हमने चीज़ें वगैरह देखें, ये देखें बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी सब पड़ रही है, अब चलें कुछ देर तक। नहीं जी नाज़रीन ये हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे हैं, काफ़ी इंजॉय किया है, अब हम वापस जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। काफ़ी घूमे फिरे, गर्मी थी बहुत ज़्यादा और लाइट भी गई हुई थी, बार बार लेके जाते रहते हैं, घर में बोर हो रहे थे इसलिए हमने सोचा है कि चलो नहा धो आते हैं और पार्क में घूम शूम आते हैं, इसलिए गए हुए थे। ये देखिए सूरज, इतनी सख्त गर्मी है, शाम का टाइम हो गया है, उसके बावजूद भी ये डैम भी सूख गया है, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है ना, अब हम वापस अपने गाड़ी में बैक होने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। तो हम इंतजार का वेट करेंगे किसी नई नाथ के साथ, किसी गाँव के साथ। आज मैं किसी इस वक्त किसी नई चीज़ के साथ यादगार के तौर पर रहते हैं।